इंदौर शहर नगर निगम से निकलने वाले कचरे का निपटान तेजी से करने के लिए जल्द ही ट्रेंचिंग ग्राउंड पर रोबोटिक मशीन से कचरा छटाई का काम शुरू करेगा। ये मशीनें न सिर्फ कचरा छाटेगी बल्कि शहर में किस कंपनी के उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसका कचरा ज्यादा निकल रहा है इसकी भी जानकारी जुटा लेगी। निगम अभी शहर से निकलने वाला सूखा कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड में सूखे में फेंकता है, जिसे रैक पिकर्स छांटकर अलग अलग करते हैं। इसमें काफी समय लगने के साथ ही पूरे कचरे की छटाई भी नहीं हो पाती। वहीं बरसात में कचरा गीले होने से वापस इस्तेमाल योग्य बनाने में भी समय लगता है। इससे निपटने के लिए निगम ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एक बड़ा शेड लगाने जा रहा है। इसमें ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाएंगी। यहाँ शहर से आने वाला कचरा एक स्थान पर ही डाला जाएगा। कचरे को मशीन सीधे लेकर प्लास्टिक, कांच की बोतल, कपड़े, कागज, ग्रे बोर्ड, पुष्टा, जूते चप्पल, भंगार, पॉलिथीन, सीमेंट की बोरिया, धूल सहित अन्य कचरे को कन्वेयर बेल्ट की मदद से अलग अलग कर देगी। देखिए, जो हमारा 3R का एक फार्मूला है जिसके तहत हमको रिसाइकल और रिड्यूस करना है और यूज़ करना है, तो उसके तहत जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है, जो पॉलीथीन, गत्ते, कागज़ और दूसरे जो इस प्रकार के रस्सियाँ वगैरह होती हैं, तो उसके लिए एक रोबोटिक मशीन हम लोग एक प्लांट के साथ में ला रहे हैं। तो वो जो इसका सेग्रीगेशन है, जो भी हमारा मैनुअल होता है रैक पिकर्स के माध्यम से होता है, उसको ऑगमेंट करेगी और बहुत ही एफिशिएंट सेग्रीगेशन करेगी, जिसमें अगर कोई बॉटल है तो उसकी बॉटल की ढक्कन अलग हो जाएगी, इसका लेबल अलग हो जाएगा, बॉटल अलग हो जाएगी, अलग अलग टाइप की बॉटल से एक साथ वो हो जाएंगी, इंटीग्रेट हो जाएंगी। पॉलीथीन अलग अलग जो प्रकार की हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद इनका जो रीयूज़ और रिसाइकिल है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो जो प्लांट आ रहा है उसमें बेसिकली जो हम लोगों ने रेवेन्यू मॉडल रखा है उसके तहत वो हम लोगों को साल भर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का वो प्रीमियम जो कंपनी है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम देगी, जो भी आएगी। और एक तो नगर निगम को इससे रेवेन्यू भी होगा, दूसरी तरफ जो हमारा कचरा है जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है नेट पे वो भी नहीं बचेगा, पूरी अच्छी तरीके से हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। सर, कितने की मशीनें हैं और कब तक यहाँ पर? ये जो हमारा असेसमेंट है वो लगभग 20 करोड़ से ऊपर की मशीन होगी। हालांकि हम लोग उसमें कुछ 6 करोड़ रुपये ही लगाएंगे, बाकी वो लोग अपना खुद लगाएंगे और बदले में जो भी पैसा होगा कुछ नगर निगम को प्रीमियम देंगे, कुछ अपना सेविंग्स करेंगे। इसके क्या फ़ायदे होंगे भविष्य में, इन फ्यूचर की बात? देखिए, एक तो वही है कि अभी जो हमारा रीयूज़ और रिसाइकिलिंग तभी होगी जब हम लोग सेग्रीगेशन जो है बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं। हम लोग गीले सूखे कचरे में तो सेग्रीगेशन करते हैं, लेकिन सूखे कचरे का अलग अलग सेग्रीगेशन स्पॉट पर नहीं करते हैं। जापान जैसे देशों में लगभग 48 प्रकार से सेग्रीगेशन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ये तेज़ करेगी। जितना अच्छा सेग्रीगेशन होगा उतना अलग अलग मटेरियल्स की रीयूजबिलिटी और रिसाइकेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक तो पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा, नगर निगम को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा।